नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी। जैसा कि मैं बता रहा था, ये विनय हत्याकांड में, मैं फिर कहूँगा कि विनय हत्याकांड ही कहूँगा, जैसा कि लोकबाग उसके एक एक किरदार निकल के सामने आ रहे हैं और ये पता चल रहा है कि उस रात को वाकई में कुछ अनहोनी हुई थी। अब एक और नया किरदार इसमें जो निकल के सामने आया है, उस किरदार से आप लोगों को मिलाना चाहेंगे, रूबरू कराना चाहेंगे। अभी हम आए हुए हैं जहाँ पे, उस लड़के से मिलाएंगे और उसी की जुबानी आप लोगों को सुनाना चाहेंगे कि एक्चुअल वो रात और उस दिन हुआ क्या था और क्यों इसको पुलिस वाले उठा के लेके गए थे और पूरी बात क्या थी, उसी लड़के से जानना चाहेंगे। क्या नाम है? नौशाद खान। नौशाद खान, कौन सा ग्राम सभा है? होस्ट अमरोली सुमाली, जिला बस्ती, ग्राम सभा बस्थनवा। बस्थनवा ग्राम सभा है ये जी। अच्छा, तो अभी नौशाद, क्या हुआ था उस दिन जो आप कन्हैया को, उसको विनय को जानते हैं ना जी? विनय किस तरीके से जानते हैं विनय को? विनय ट्रैक्टर चलाता था, हम लोग साथ ही में चलाते थे। अच्छा, किसका ट्रैक्टर चलाता था? वो हीरा भाई का। हीरा कौन, कन्हैया? नहीं, हाँ वो संजय जो है ना। संजय कौन? लल्लू का पटदार। अच्छा अच्छा, उन्हीं का ट्रैक्टर चलाते थे, दोनों साथ में रहते थे। इससे आपकी जान पहचान उससे हुई? वहीं से हुई। अच्छा, आगे? आगे क्या सर, 8 तारीख को हमसे मिला। कहाँ पे मिला? घर पे मिला, घर से लेके गया मैं भिरिया, वो सिम निकालने गया था। सिम निकाल के आया, उसके बाद उसके घर पे ही लाके छोड़ा मैं। सिम कौन निकाला था? वही विनय। विनय सिम निकाला था जी, नया सिम निकाला था जी, 8 तारीख को। 8 तारीख को। और सिम किसके आईडी पे, किसके आईडी पे निकला था सिम? सर उसी के आधार कार्ड पे निकला था। उसी के? तो आप केवल उसके साथ चले गए थे वहाँ जी, 8 तारीख जी, भिरिया से सिम निकलवाए। और वो नंबर कौन सा था सर? अब नंबर थोड़ी हम जाने। अच्छा, नंबर आपको पता नहीं है? नहीं। तो सिम किस लिए निकाला था, उसके पास फोन नहीं था क्या? हमको नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम। यही सारी चीजें हैं जब आप किसी के साथ जा रहे हो, आपका यार दोस्त है जी, और इतने क्लोजली हो कि सिम अगर निकालना है तो आपको वो साथ लेके जाएगा जी। तो ये भी बताएगा कि सिम किस लिए ले रहे हैं, इसमें कोई नहीं शक नहीं है? कुछ बताया ही नहीं। बस ये बोला कि वो सिम निकालना है, बस साथ में गया। उसके बाद में पोनी चाचा के दवा लेने गया था, उसके बाद जब तक मैं लौटा जब तक वो दवा, वो सिम निकाल लिया था। सिम निकाल लिया था जी। तो ये कैसे आपको पता चला कि सिम ही लेने के उल गया है और कुछ? सर मैं गया था उसके दुकान पे, तो वो उनके क्या बोलते, कुमार वहाँ से निकाला, देखा हूँ। तो एग्जैक्ट वो केवल सिम निकालने ही गया था उस दिन, सिम निकालने गया 8 तारीख को। 8 तारीख उसके बाद सिम निकाल के लेके आ गया। हाँ। आप भी उसके साथ आ गए जी। उसको छोड़े कहाँ पे? उसके घर पे। उसके घर पे, ये 8 तारीख की बात है जी। क्योंकि 11 तारीख को वो, जैसा कि आपको भी पता चला होगा जी, पता चला। तो क्या पता चला था आपको? क्या पता चला, वो नहीं पता चला ना। क्या नहीं पता चला? मतलब यही पता चला कि वो गायब हो गया है, उनकी माँ बता रही थी। उसकी माँ जी, विनय की? हाँ। विनय की माँ से आप मिले? हाँ, रास्ते में मिली, बोले कि विनय को जानते हो। कब ये, कब बात हुई आप? मगर लगभग वही 5-5 बजे। कितने तारीख को? 11 तारीख को। 11 को ही जी। फिर याद से कर लो, अभी क्या है, नवयुवक हो, याददाश्त तुम्हारी सही होनी चाहिए। अभी फिर से याद कर लो कि तारीख कौन रही होगी। सर 10 मान लें। 10 मान लें। 10। अच्छा, 10 या 11। क्या सर? 10 तारीख। कौन डेट में बुआ के यहाँ गए रहो बताओ? बुआ के यहाँ 10 तारीख के गए रहन। 10 तारीख के गए रहन जॉन भैया, बताओ से क्या होश के बात करो। 10-11 9 तारीख कराओ, सही रूप बताओ। अच्छा, आप उसकी माँ आपसे मिली जब रास्ते में, वो रास्ता कहाँ पे था? सर वो चमरैया के आगे आओ ना, वो क्या बोलते हैं, छैलू का मड़ई है, उसी के सामने मिली। वहाँ पे मिली जी। और आपको वो पहचानती हैं जी, क्योंकि आप दोनों साथ रहते थे जी। तो आपसे क्या वो बोली? बोली हमारे बेटे को जानते हो, मतलब बसंती उनको बोलते थे, उनकी माँ। किसको? उसके विनय को। अच्छा, उसका नाम भी बहुत है क्या? नहीं सर, कोई बसंती, कोई बसंती बुलाती, पता नहीं क्या क्या चीज। हाँ, बहुत सारे नाम बुलाती थी। अच्छा, ये डांस वांस करता था क्या? पता नहीं सर। अच्छा, पता नहीं। चलो, तो आपसे पूछी उनकी माता जी जी कि वो कहाँ है, मिल नहीं रहा है जी।
ऐसा बोली क्या? हाँ। क्या बोली थी आप ही बोलो ना, बताओ आप। बोली बीनी को जानते हो कहाँ है? तो मैं बोला नहीं। तो कहीं थोड़ा पता लगाओ। हम कहे सर मेरे में बैलेंस भी नहीं था उस टाइम। फिर बोली फोन लगाओ, मैं बोला मेरे में बैलेंस है ही नहीं। फिर उसके बाद सर मैं चलाया घर पे। फिर उसके बाद तो बताई होंगी ना, जैसे तुमसे कोई मिल जाए, अब जैसे हमारी तुम्हारी बातचीत हो जाए, अब कहीं हम मिल जाए तो हमसे हेलो हाय जब करोगे तो पूछोगे ना भाई, अगर रुका हुआ व्यक्ति है तो पूछेगा ना कि क्या हाल चाल है, जैसे अभी आके पूछ लिए कि और मिश्रा जी। वैसे ही जब आप उस उनकी माँ से मिले और उनकी माँ आपसे बोल रही है कि मेरा लड़का कहाँ है, मिल नहीं रहा, या क्या बात हुई थी, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। सर इतनी ही बात हुई, उसको जानते हो तो मैं बोला नहीं। तो बोले फोन लगाओ, तो मैं बोला बैलेंस है ही नहीं। ये नहीं बताई कि मिल रहा है नहीं मिल रहा है या कहीं गायब हो गया है, ऐसा कुछ पता चल कुछ रहा है? नहीं, इतना बोली कि वो उधर बनारस जाने वाला था ट्रक पे। अच्छा। हाँ, तो पता नहीं ट्रक पे गया कि कहाँ गया, तो पता नहीं लग रहा, बस यही सर बात हुई है। तो क्या क्या नाम? नौशाद। नौशाद। नौशाद एक बात बताओ। जी सर। जैसा कि हमको पता चला जी, या हमने जिससे भी इंटरव्यू लिया जी, वो 11 तारीख को, वो रात शाम 11 तारीख की थी जब वो घर से बोल के गया कि हम जाएंगे वहाँ पे ट्रक चलाने के लिए, वो तारीख 11 थी जैसा कि लोग बता रहे हैं जी, ठीक। और 11 तारीख को अगर आप घर से बता के जाओगे कि हमको बस्ती जाना है या कहीं कमाने जाना है, तो 11 को ही आपसे कोई इस तरीके से बात करेगा नहीं, पहली चीज जी। तो वो जाहिर सी बात है वो 11 तारीख रही नहीं होगी जब आपसे बात हुई होगी, या तो 12 या 13 या अदरवाइज कुछ रहा होगा। और भी जैसे खुल के सामने ये आ रहा है कि 12 तारीख को भी उनके माँ को ये नहीं पता था कि मेरा लड़का कहाँ है, 13 को कन्हैया या 14 को जब उसकी माँ आई बताने के लिए कन्हैया की, तब उसको पता चला। अब इतनी सारी चीजें तो मैं आपको बता दिया, और आप कह रहे हो कि 10 तारीख को हम उनको उनकी माँ हमको बता रही है, या 10-11 तारीख को, मतलब इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? कुछ छुपाना चाह रहे हो क्या? नहीं सर, कुछ छुपाना नहीं चाह रहे। तो मैं इतना यार बोल रहा हूँ, हम मैं इतना बता रहा हूँ, आप उसको क्या चीज ऐसा छुपाना चाह रहे हो या नहीं बताना चाह रहे हो सर? कुछ कि आप बता ही नहीं पा रहे हो सर? मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ कुछ भी। क्यों, ऐसा क्यों? हमारे डर हो रही है। तो डर, वही मैं पूछ रहा हूँ नौशाद, तुम्हें डर किस चीज का है? वो डर अंदर से जो है, न्यूज के सामने आया हूँ इसलिए हमको डर बोल। न्यूज से डर लग रहा है, इसको हटा दे। नहीं नहीं, माइक से डर लग रहा है तो माइक हटा दें, जो बात है वो सही चीज बताओ। एक्चुअल इस माइक से अगर आपको डर लग रहा है तो इसको हम हटाएं। 8 तारीख को मिला, तब से वो हमसे मिला ही नहीं था। ठीक है, वो नहीं मिला, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हो कि उसकी माँ हमसे मिली और बताई कि हमारा लड़का गायब हो गया है, नहीं मिल रहा है वगैरह वगैरह, उसके बाद आप उसको नंबर भी नहीं लगाए चूंकि आपके में बैलेंस नहीं था जैसा बता रहे हो, उसके बाद कभी सोचे कि वो कहाँ है? नहीं सर कभी। और अभी बता रहे हो कि वो आपका बड़ा बढ़िया फ्रेंड था। सर था तो बैलेंस नहीं मतलब था, सर तो कैसे था? लगा ले? सर वो आपका बढ़िया फ्रेंड था जी। और जब आपको तो ये पता था चला तो कि वो मिल नहीं रहा है, उसके बाद आप उसका हाल चाल लेना नहीं चाहे या उसके घर पे ये पता करना नहीं चाहे कि वो जिंदा है भी कि नहीं है, ये वाला फ्रेंडशिप था आपका? सर खेत वो जोता था इसीलिए साथ वाथ रहते। मतलब अब आपका फ्रेंड भी नहीं रह गया वो? सर था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा फ्रेंड नहीं था, था। एक्चुअल हम नौशाद ये पता करने आए हैं दो चीजें जी। हमको सूत्रों के हवाले से बहुत बढ़िया से पता चला है कि आप गए थे थाने पे, बुलाया गया था आपको जी। किस लिए बुलाया गया था सर? पूछो के लिए बुलाया गया। क्या चीज पूछ रहे थे सर? पूछ कौन बुलाया था? कौन बुलाया था? देवेंद्र यादव। तो देवेंद्र यादव जी आपको बुलाए थे, तो क्या बात क्या हुई थी? यही पूछे कि विनय को जानते हो? तो हम कहें हाँ सर जानते हैं, खेत वो जो। अरे भाई, विनय को जानने वाले इस गांव में भी हो सकता है बहुत ज्यादा लोग हों, और उस गांव में भी बहुत ज्यादा लोग हों जी, या अदरवाइज और चौराहे पे भी लोग हों, तो और किसी को क्यों नहीं उठाया गया, सिर्फ नौशाद को ही क्यों पकड़ा सर, गया? उठाया नहीं गया था, मैं गया था, बुलवा आया था। किस लिए? यही पूछा के लिए। अरे भाई सर, मैं ही अकेला नहीं गया था, और लोग गए थे। हाँ, कौन कौन गया था? बिक्की उक्की को बुलवा था, गए थे। ठीक, बिक्की उक्की कौन? बिक्की और कौन? मधुबन का भाई। और लड़की का भाई जी? अच्छा, लड़की उड़की सब गए थे। अच्छा, तो लड़की के भाई से आपकी जान पहचान बढ़िया है क्या? नहीं, पहले थी, अब नहीं है। पहले कब? पहले थी। मतलब क्यों, अलग कैसे हो गए? नहीं ऐसे कुछ बात। अरे हमें भी बताओ, हम लोग भी जानना चाहते हैं यार। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे। नहीं, अलग क्यों हुए? कुछ तो कारण होता है।
नहीं सर, कुछ एक घर में बंटवारा होता है तो कुछ तो कारण होता है ना साहब। बात आपका सही है, तो जब उसमें बंटवारा हुआ तो कारण बताओ हमको, वही मैं जानना चाह रहा हूं। हुआ है आड़र, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे बोल चाल नहीं है। वही ऐसे क्यों, वो मैं जानना चाहता हूँ, एक्चुअल चीज क्या था? सर क्या बताएं, अब खुल के बोल दो। अब चूंकि मैं पूछूंगा, आपको बोलना है, चाहे अभी पूछो 10 मिनट बाद बताओगे, या मैं क्योंकि वही पूछता रहूंगा बार बार, तो आप ही बता दो जल्दी, हमारा भी काम जल्दी खत्म हो जाए। ऐसे जमता नहीं है इसीलिए। मतलब क्यों भाई, पहले बढ़िया जमती थी, बाद में नहीं जमती है, कारण क्या था? जैसे इनका कन्हैया, अरे वो क्या बोलते हैं, रिंकू, वो सूरत में हमसे झगड़ा हो गया उसका। रिंकू मतलब कौन था? उनका लल्लू का भाई। वो लल्लू मतलब लड़की के भाई का। हाँ अच्छा, तो रिंकू का भाई सूरत में हमको मरवाया। अच्छा, उसी से, वहीं से हमारा, उसी वहीं से आपकी बातचीत बिगड़ गई। बिगड़ गई तब से बातचीत बिगड़ गई, उनके घर से आपकी बिगड़ गई। बिगड़ गई। ये लड़की जो थी इस पूरे कांड में जी, उसी का ये भाई था जिसका नाम आप बता रहे हो रिंकू, ऐसा ही था। चलिए, तो इसके बारे में फिर कुछ पता चला कुछ आप लोगों को? कुछ कुछ नहीं। तो थाने में क्या हुआ? थाने में बुलाए, बोले बिनी को जानते हो तुम? बोले हाँ सर जानते हैं। तो बोले कैसे जानते हो? उनको सर ट्रैक्टर चलाते थे, वहीं से संपर्क हो गया था। अब रास्ते में मिलते हैं, हाल हो जाता है, जो भी है। थाने पे क्या मारे पीटे भी क्या आपको? नहीं सर। नहीं, मतलब डर से नहीं बोल रहे हो या हमको पता चला है इसलिए नहीं बोल रहे हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। हमको पता चला कि थाने में तुम मारे पीटे भी गए। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ है तो बता सकते हो? नहीं नहीं नहीं, कुछ बोले ही नहीं गए। कुछ बोले नहीं गए नहीं। बस बाकायदा बुलाए, चाय पानी पिलाए और छोड़ दिया? चाय पानी नहीं, बुलाए, बैठे थे, उसके बाद एक दो घंटा बाद चले आए थे फिर। अच्छा, फिर कुछ बोले नहीं? कोई इंटरेक्शन नहीं दिए कि भाई बुलाएंगे फिर आना? कुछ नहीं, हाँ बोले बुलाएंगे तो फिर आना, बुलाएंगे तो फिर आना, फिर आना। चलिए, जैसा कि आप लोग सुन रहे थे, जो भी किरदार में जो भी कमियां या क्वेश्चन मार्क हैं वो निकल के सामने आज नहीं तो कल आना ही आना है। ये जो तीन किरदार आए हैं नए निकल के, ये भी उसी दायरे में है जैसे कि और लोग। जो भी चीजें हैं वो आज नहीं तो कल निकल के आएंगी, बस आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जिस दिन डीएनए टेस्ट होके आ जाएगा, मैं विश्वास दिलाता हूं बहुत जल्द से जल्द इस पूरे कांड का खुलासा होना तय है। ये मीडिया के लिए भी और थाना सोनहा के लिए भी, और खास करके शैलेंद्र सिंह जी जो यहाँ के एसएचओ हैं उनके लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इसलिए है कि जिस तरीके से उसका कंकाल उस लड़के का मिला है, या उस लड़के का ना भी सही, जिस लड़के का भी हो या जिसका भी हो, अगर वो कंकाल मिला है तो हत्यारा भी होगा, और हत्यारा जो भी है उसको सामने आना ही पड़ेगा। अब आप लोग सोच सकते हैं कि आपको एक एक पहलुओं तक मैं पहुंच रहा हूं, जहां तक जिस तरीके से दृष्टि जा रही है वहां तक आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। इस चीज को आप तय मान के चलिए कि हत्यारा कोई भी होगा वो पकड़ा ही जाएगा। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमर मणि मिश्रा।